नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गोहाना के मेन बाजार की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अयोध्या की तरह जो है गोहाना के मेन बाजार को जो है सजा दिया गया है। देखते हैं, आपको दिखा दें, ये देखिए मेन बाजार की जो है लड़ी जो है लगा दी गई है और राम भगवान के जो है जो झंडे हैं वो बाजार में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं, ये तस्वीरें आप गोहाना के मेन बाजार की देख रहे हैं, जहां पर ये लड़ी जो है पूरे बाजार में लग चुकी हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सके कि गोहाना का जो मेन बाज़ार है वो भी अयोध्या की तरह सज चुका है। देखते हैं, पूरे बाज़ार में जो है लड़ियाँ लगा दी गई हैं और 22 तारीख को जो है राम मंदिर है वो उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले जो है गोहाना के मेन बाज़ार में ये लड़ियाँ हैं वो लगा दी गई हैं। और देख भी सकते हैं, जहाँ पर शहरवासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखते हैं, पूरे शहर में जो है खुशी की लहर दौड़ी हुई है। लड़ियाँ जो हैं दीपावली की तरह जो है इस 22 तारीख को मनाया जाएगा। पूरे शहर में हवन यज्ञ होंगे, सुंदरकांड के पाठ होंगे, इसके अलावा काफ़ी जो है कार्यक्रम जो है शहर में किए जाएंगे। भंडारे लगाए गए हैं, लड्डुए बनाए हुए हैं। देखते हैं, पूरे शहर में जो है गोहाना की मेन बाज़ार की बात करें तो ये लड़ियां जो हैं पूरे बाज़ार में जो है लग चुकी हैं। गोहाना की मेन बाज़ार की बात करें तो पूरे शहर में ये लड़ियां लग चुकी हैं और अब जो है तैयारी जो है वो हो चुकी हैं। 22 जनवरी के दिन की इंतज़ार जो है शहरवासियों को है, भारत के सभी लोगों को है। और यहाँ देखते हैं, मंदिर की बात करें, दुकानों की बात करें, सब जगह जो है लड़ियाँ ही लड़ियाँ आपको लगी हुई नज़र आएंगी। आपको दिखा दें, ये मेन बाज़ार की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। देखिए, दुल्हन की तरह जो है शहर को सजाया हुआ है। देखिए, ये गोहाना के मेन बाज़ार की मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो है दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया हुआ है। यहाँ पर प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, किस तरह जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है मंदिर? जय श्री राम जी। 22 जनवरी की तैयारी हो रही है, 500 साल के बाद भगवान रामलला दोबारा पधारने वाले, स्थापित होने वाले राम मंदिर में, उसकी तैयारियां मंदिर में चल। तो किस तरह की तैयारियां, क्या क्या उस दिन होने वाला है? 22 तारीख को सुबह 10 बजे सुंदरकांड का पाठ मंदिर में किया जाएगा, उसके बाद हवन यज्ञ किया जाएगा और 12:29 पर जो आरती का समय है वो आरती की जाएगी और शाम को 6:30 से लेकर के दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर एक घर से, हर एक परिवार से लोग आएंगे और मंदिर में दिए जलाएंगे। तो कितनी खुशी है? खूब खुशी है, खूब आनंद है। जय सिया राम। देखते हैं, इस तरह जो है मंदिर को सजाया गया है। आप तस्वीरों में ही देखते हैं जो कितनी जो है यहाँ पर लड़ियाँ लगाई गई हैं। जिस तरह दीपावली पर जो है लड़ियाँ लगती है, उसी तरह जो है ये तैयारियाँ यहाँ पर जो है शहरवासियों ने कर दी गई है। और देख भी सकते हैं, जहाँ पर ये लड़ियाँ जो है गोहाना के मेन बाज़ार की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर लड़ियाँ लगाई गई हैं, बाकायदा जो है तैयारी जो है पूरी कर ली गई हैं, भंडारे तक लगाए जाएंगे। और देखते हैं, यहाँ पर ये लड़ियाँ जो है पूरी जो है लगी हुई हैं शहर के अंदर जो है, जगह जगह पर जो है झंडे भी जो है भगवान राम के जो है लगाए गए हैं। देखते हैं, देखते हैं आपको दिवाली का जो है नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा शहर जो है लाइटों ही लाइटों में। सर सर, किस तरह की तैयारी जो है शहर बाजार के अंदर आपने की है? हाँ, बाजार में बहुत जोश शोर से लोग लगे हुए हैं श्री राम जी के भव्य स्वागत के लिए और यहाँ सब लाइटिंग लगेगी पूरे शहर में अपने मेन बाजार में और स्पीकर लगेंगे जहाँ श्री राम जी का भजन चलते रहेंगे और लड्डू का प्रसाद बांटेंगे। कितने लड्डू बनवाए गए हैं? 51 किलो लड्डू बंटवाए। उसके अलावा भंडारा भी है? नहीं, भंडारा ऊंचाई पे है, मैगी हाउस के साथ। किस तरह की तैयारी जो है बाजार में की गई है? पूरी जगमग करिए गई है सारी चीज़, राम जी की पूरी तैयारी है और भंडारा भी है, 51 किलो लड्डू भी बांटने हैं। अयोध्या की तरह सजा दिया है? अयोध्या की तरह पूरा सजा दिया है। कल पूरी और लाइटिंग लग जाएगी, आज थोड़ी अधूरी है, पूरी लाइटिंग कल पूरी हो जाएगी सारी। कल पूरी हो जाएगी? हाँ, 3 दिन 4 दिन पूरे दिन लाइट चलेगी। तो क्या कहना चाहोगे शहरवासियों को? शहरवासियों को, पूरा देश तैयार है,
तो किस तरह की खुशी मनाएंगे? दिवाली है, दिवाली है, दूसरी क्यों, पहली दिवाली है हमारी। हर साल दिवाली, हर साल ये 22 जनवरी को हर साल दिवाली मनाएंगे हम। तो देखिए जो है हर साल जो है 22 तारीख को भी जो दीपावली मनाने का जो है काम कह रहे हैं कि हम हर साल मनाएंगे, दो दिवाली जो है मनाई जाएंगी। देखते हैं, ये देखते हैं किस तरह जो है, ये देखते हैं किस तरह जो है शहर को सजाया गया है। लड़ियों से जो है पूरा जो शहर है वो सज चुका है। कुछ कह ही नहीं सकता है कि हम गोहना में अयोध्या की तरह जो है शहर को सजाया हुआ है। और तो आपसे अपील भी रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से झंडे भी देखते हैं, भगवान राम के जो है झंडे हर दुकान पर आपको लगे हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो है गोहना के मेन बाज़ार की देख रहे हैं, जहाँ पर जो है दुल्हन की तरह, अयोध्या की तरह जो है शहर को सजा दिया गया है। लड़ियाँ जो है लगा दी गई हैं। जी क्या करना चाहोगे, शहर को सजा दिया गया है पूरी तरह से? जी किस तरह की तैयारी करके हैं? तैयारी बहुत अच्छी की है और बहुत खुशी का माहौल है, उत्सुकता है। इतने वर्षों के बाद एक दोबारा बहुत बड़ी और बहुत खुशी की दिवाली हम मनाएंगे। भगवान हमारे जो टेंट में थे रामलला जी, वो आज अपने सही तरीके से अच्छी जगह पे विराजमान होंगे, उसकी बहुत खुशी से हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। जो है शहर को जो है सजा दिया गया है, लड़ियों से जो है सजा दिया गया है। देख सकते हैं दूर दूर तक आपको लड़ियां ही लड़ियां नजर आएंगी। और देखते हैं पूरा जो शहर है वो कहीं ना कहीं दीपावली की तरह जो है इस त्यौहार को मनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देख सकते हैं जहाँ पर रंग बिरंगी लड़ियाँ जो हैं लगाई गई हैं, बाकायदा जो है देख सकते हैं ये लड़ियाँ जो है शहर में लगाई गई हैं, ताकि जो है 22 तारीख का जो श्री राम प्राण प्रतिष्ठा है वो किस तरह मनाया जाएगा। शहर में बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो शहर में किए जाने हैं। उससे पहले जो है लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर, घरों के बाहर लड़ियाँ लगा दी गई हैं और लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें अपना सहयोग भी कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा होगा कि 22 तारीख को दीपावली है, लेकिन शहरवासियों ने पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। देख सकते हैं किस तरह जो है लोगों ने जो है तैयारी यहाँ पर कर दी गई है 22 जनवरी को दोबारा से दीपावली मनाने का जो काम है। देखते हैं किस तरह जो है तैयारियां यहाँ पर लोगों ने कर ली गई हैं और हर दुकान के बाहर आपको भगवान राम का जो है झंडा भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। देखते हैं ये तस्वीरें गोहाना के मेन बाज़ार की हैं, जहाँ पर 22 तारीख का इंतज़ार न करते हुए पहले ही जो है शहर को सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप तस्वीरें भी देखते हैं जहाँ पर गोहाना के मेन बाज़ार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर बाज़ार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लड़ियां ही लड़ियां शहर की में देखी जा रही हैं। देखते हैं बकायदा शहर को अच्छे से सजाया गया है, ताकि जो है शहर सुंदर लगे और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है उसी को लेकर जो है शहर में दीपावली की तरह जो है शहर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। देख भी सकते हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम जो है 22 तारीख को होना है, उससे ठीक पहले जो है शहर को दीपावली की तरह सजाने का काम जो है यहाँ पर किया गया है। और देख भी सकते हैं पूरा शहर जो है ये पूरा सजा हुआ है। देखते हैं ये पूरी तस्वीरें गोहाना की देख रहे हैं, गोहाना के मेन बाज़ार की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर ये सजावट जो है शहरवासियों ने की है। और शहरवासियों ने अपील भी की है कि इसको दीपावली की तरह जो है इस त्यौहार को मनाया जाएगा। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।